हम आज अनुलोम विलोम का अभ्यास करवा रहे हैं आप लोगों को। अनुलोम विलोम पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले यानी मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए यह ब्रह्मास्त्र है, रामबाण औषधि के रूप में है। तो इसका क्या नाम है बोलो? अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम का नाम सुने थे कभी आप लोग? कोई नहीं सुना था, तो आज सुन लिया, याद रहेगा। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? बहुत अच्छा। अब इसको कैसे करेंगे उसको हम बता रहे हैं। बायां हाथ को ध्यान मुद्रा में रख करके और ठेहुना पे रख दीजिए, बायां हथेली, और दाहिने हाथ को उठा लीजिए और तर्जनी को मोड़ लीजिए इस प्रकार, मेरे जैसे अभी तक रखना मेरे, और दाहिना अंगूठा को याद रखिएगा, दाहिना हाथ प्रयोग करना है, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ जिससे हम भोजन करते हैं। कौन हाथ से खाना खाते हो? तो दाहिना हाथ का तर्जनी मोड़िए और अंगूठा को नाक पर लगाइए, दाहिने नाक पर। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, फिर सांस भर जाए तो बाएं नाक को बंद करो ये दो अंगुली से, और फिर दाहिने नाक से सांस को छोड़िए, फिर दाहिने नाक से सांस भरिए, फिर दाहिने नाक को बंद करिए और बाएं नाक से छोड़िए, फिर बाएं से ही भरिए, फिर बायां बंद करिए। जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करिए तो याद हो जाएगा। बाएं से भरिए, अभी बायां को बंद कर दीजिए और दाहिना नाक से सांस को छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए, दाहिना बंद करिए और बाएं से छोड़ दीजिए। समझ में आ गया? अब पूछ रहे हैं आप लोगों से, दाहिना अंगूठा किस नाक पर रहेगा? दाहिने नाक पर। सांस किससे भरेंगे? बाएं से। तो बायां बंद करके किससे छोड़ेंगे? बहुत अच्छा। फिर दाहिने से भरेंगे और किससे छोड़ेंगे? बहुत अच्छा। फिर बाएं से भरेंगे और बायां बंद करके किससे छोड़ेंगे? इस प्राणायाम का क्या नाम है? अनुलोम विलोम। बोलिए क्या नाम इसका? अब इसका लाभ सुन लो। अनुलोम विलोम करने से क्या फायदा होगा? एक तो तनाव नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, गाली गलौज नहीं होगा, ज्यादा हम चिल्लाएंगे नहीं, और नींद बढ़िया आने से हम 6 घंटा या बच्चे 8 घंटा खूब आनंद पूर्वक नींद लेंगे। क्या लेंगे? नींद। और रात को 10 बजे नींद आ जाएगी और 4 बजे नींद टूट जाएगी सुबह में। रात को कितने बजे सोना है? सुबह कितने बजे जगना है? बहुत अच्छा। और सुबह 4 बजे जग करके 1 गिलास छोटे बच्चों को पानी पीना है और बड़े लोगों को कितना गिलास? तुम पानी, गर्म पानी पी ले तो अमृत के समान है, वो पेट साफ कर देता है और दिन भर हमारा मन हल्का रहेगा, मन लगेगा काम करने में। तो मेरे साथ बोलिए, दमा, टीबी, खांसी, चर्म रोग, अनिद्रा, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, लकवा, माइग्रेन, सर दर्द, ये सब ठीक हो जाएगा बिना पैसे का। केवल 5 मिनट बच्चों को करना है और 15 मिनट बड़ों को करना है। तो लाभ समझ में आया? अब तीसरा अभ्यास करवा रहे हैं, तीसरा अभ्यास करवा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम का। किस प्राणायाम का? भौरा का नाम सुने? भौरा, भौरा का नाम सुने हैं? भौरा कैसा होता है? पीला पीला कि काला काला? काला काला होता है। कैसा होता है? तो भौरा कैसे बोलता है? वो कैसे बोलता है, कभी सुना है आप लोग? कैसे बोलता है? देखो,
से बोलना है तो दोनों अंगूठा कान में लगाओ। कान का जो ढक्कन देख रहा नहीं वाला, ढक्कन को बंद करो अंगूठा से, और तर्जनी को ललाट पर रखिए, यहाँ पर तीनों उंगलियों को मोड़ के आंख पर रखिए, मुंह बंद करिए और नाक से सांस भर के और 5 बार इसी प्रकार गुंजन करना है भौरे जैसा। तो आइए सांस भरिए, और हथेली को रगड़िए। हथेली को रगड़ना है तो खूब रगड़ो, हथेली को गर्म करो। पूरा माथा पर, हाथ पर, शरीर का स्पर्श करते हैं, इसी भूमिका से शरीर को टच करने से हमारे अंदर आरोग्य प्राप्त होता है, निरोग होते हैं।